दोस्तों क्या आपको पता है कि बटरफ्लाई मतलब कि तितलियों का जन्म इस कीड़े से होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यह बातें जानने को मिलेगी कि किस तरह से यह नन्ही सी बटरफ्लाई की जन्म होती है, यह खूबसूरत से दिखने वाली तितली किस तरह से जन्म लेती है। इस पूरे वर्ल्ड में लगभग 80,000 से ज्यादा तितलियों की प्रजाति पाई जाती है और यही नन्ही सी तितली हमारे पृथ्वी की एक शोभा है। और कुछ तितलियों के पंखों के डिजाइन देखकर ऐसा महसूस होता है कि नेचर ने बहुत ही फुर्सत से उसके पंखों में कारीगरी की है। कुछ तितलियों के पंख शीशे की तरह साफ होती है जिनसे आर पार दिखाई देती है। आपने ऐसे कई तरह के तितलियां देखे होंगे लेकिन इन तितलियों का जन्म एक अलग ही तरह से होता है। दरअसल तितलियां पेड़ पौधे और पत्तों पे अंडे देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी तितलियां हैं जो कि पानी में अंडे देते हैं। और जब तितलियां अंडे देती है तो इनके अंडों के कलर अलग अलग हो सकते हैं और दिन प्रतिदिन इनके अंडों की कलर चेंज होते रहती है, जिसका मतलब है कि अंडे के अंदर लार्वा बनना शुरू हो चुका है। फिर धीरे धीरे इस अंडे में हलचल महसूस होने लगती है। धीरे धीरे लगभग 5 दिन में इस अंडे का रंग काला पड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडे के अंदर लार्वा बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रानी मधुमक्खियों का जन्म नहीं होता, उसे बनाया जाता है। और रानी मधुमक्खियों को बनाने के लिए इसी लार्वा का यूज होता है। लेकिन जब तितलियों के अंडे के अंदर लार्वा तैयार होता है तब यह लार्वा अंडे को फोड़ कर बाहर निकल आती है, जिसे कि कैटरपिलर कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी तितली का जन्म होना बाकी है, अभी तो कैटरपिलर का ही जन्म हुआ है। और जब कैटरपिलर का जन्म होता है यह सबसे पहले अंडे को ही खाना शुरू कर देता है। इसके बाद यह पेड़ों के पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं और लगभग 12 से 13 दिन में इस लार्वा की लंबाई 3 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और दोस्तों यह कैटरपिलर समय समय पर अपनी स्किन भी चेंज करता रहता है, बिल्कुल सांप की तरह। सांप भी जिस तरह से अपनी स्किन चेंज करता रहता है उसी तरह से यह कैटरपिलर भी अपनी स्किन चेंज करता है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है और इतने समय में यह कई बार अपने रंग रूप भी बदलता रहता है। फिर जब यह कैटरपिलर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब सारा खाना पीना छोड़कर तितली बनने के लिए तैयार होती है। और जब तक यह कैटरपिलर तितली में बदले तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों यह कैटरपिलर अपने आप को सबसे पहले प्यूपा बनाने में लग जाते हैं, जिसमें यह अपने लार से एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं और यह चिपचिपा पदार्थ अपने पिछले हिस्से में चिपका लेते हैं और टहनी से चिपक जाते हैं और पूरी तरह चारों तरफ से ढक लेते हैं इस लार के थ्रू। तो दोस्तों इस तरह से यह लार्वा अपने आप को प्यूपा बना लेती है और टहनी से इस तरह से चिपक जाती है कि लगभग 1 महीने तक नीचे नहीं गिरती और तब तक इसकी लंबाई बढ़ते रहती है। लगभग 1 महीने बाद इस प्यूपा में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है और लास्ट में जाकर इससे एक नन्ही सी छोटी सी तितली निकलती है और इन तितलियों के पंखों में कुछ चिपचिपे पदार्थ लगे हुए रहते हैं और इस चिपचिपे पदार्थ से इस नन्ही सी तितली के पंखों में मजबूती आती है और ये जल्दी से बड़े होते हैं। कुछ घंटों में ही खुले आसमानों की सैर करने लगती है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।